हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि तत्व क्या होते हैं, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें हमने धातु, अधातु और उपधातुओं के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। धातु विद्युत धनी, धातु विद्युत धनी तत्व होते हैं। दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। मेटल्स रिलीज इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम है Na, तो सोडियम है इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Na प्लस बनेगा और प्लस इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। सभी धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है Mg, Mg गिव्स Mg प्लस टू, दो इलेक्ट्रॉन त्यागे इसने और प्लस टू बना। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट के धातु क्या होते हैं, विद्युत धनी यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले होते हैं, इसलिए ये ज्यादातर आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा रासायनिक बंध में सहसंयोजक और आयनिक के बारे में। दूसरा, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। इस तरीके से धातु प्लस ऑक्सीजन गिव्स धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन या उभयधर्मी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि धातु जो ऑक्साइड बनाते हैं वो धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, मतलब वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, आपके एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं कि धातु ऑक्साइड नीले लिटमस को, क्या लाल लिटमस को, या लिटमस के प्रति धातु ऑक्साइड का बिहेवियर क्या होता है, तो ये लाल लिटमस को नीला करते हैं क्योंकि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। कुछ धातु ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी भी होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और जिंक। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। उभयधर्मी का मतलब अम्ल और क्षार दोनों के साथ में अभिक्रिया दर्शाते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं एल्यूमिनियम और जिंक का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3 और ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है, जैसे कि HCl, 6HCl गिव्स AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और प्लस साथ में निकल गया 3H2O, ठीक है। तो उभयधर्मी का मतलब होता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करे वो एम्फोटेरिक उभयधर्मी होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना भी बोलते हैं, एल्यूमिना Al2O3, ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है और क्षार के साथ, जैसे कि NaOH, रिएक्शन विद 2NaOH गिव्स NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2O। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है एग्जाम में, इनमें से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक का ऑक्साइड ZnO, ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। एक और बात इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ज्यादातर पानी में अविलय होते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जल में अविलय होते हैं। दीज आर इनसोल्यूबल इन वॉटर, मोस्टली दीज आर इनसोल्यूबल इन वॉटर, पानी में विलय नहीं होते हैं। फिर भी कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो पानी में विलय होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, है ना। कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे कि सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये पानी में जब विलय होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बन जाएगा, NaOH, है ना, क्षार बनाते हैं, जैसे NaOH, 2NaOH लिख सकते हैं हम इसको, 2NaOH। इसी तरह से पोटेशियम है तो K2O विद वॉटर इज इट गिव्स K2O प्लस H2O, इट गिव्स 2KOH। तो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि धातु ऑक्साइड ज्यादातर पानी के अंदर अविलय होते हैं, परंतु फिर भी कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जो पानी के अंदर विलय होकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड बनाने का मतलब क्षार बनाना,
इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, क्षारीय होते हैं ना, ऊपर हमने कहा था क्षारीय, तो इसलिए ये क्षारीय या क्षार कहलाते हैं, धातु ऑक्साइड। ठीक है, अब धातु ऑक्साइड के साथ जो धातु है उनकी ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ धातु बहुत ही तीव्र गति से फास्टली ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है ना, या कैल्शियम है, लिथियम सोडियम कैल्शियम, इन धातुओं की अभिक्रिया जो है बहुत ही तेजी से होती है, या अपन यूं कह दें ऑक्सीजन में खुला रखते ही आसानी से क्या करते हैं ये लोग, ये तीनों एलिमेंट आसानी से क्या करते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं इजीली। इनके लिए कुछ टेम्परेचर वगैरह कुछ लगाना सेट करने की जरूरत नहीं होती, ये जैसे ही वायु में खुला रखेंगे ये आसानी से ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, जबकि कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो आसानी से ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, उन्हें कुछ देर के लिए वायु में बर्म करना पड़ता है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड या जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, इनको सीधे ही रखने के बाद, वायु में रखने के बाद इनके ऑक्साइड नहीं बनते हैं, डायरेक्टली ऑक्साइड नहीं बनते। इंपॉर्टेंट एक लाइन है जो आप ध्यान रखना, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ है ना, मैग्नीशियम हुआ, Mg, दैट इज इंपॉर्टेंट लाइन, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे धातु तत्व हैं जिनके ऊपर क्या होती है, ऑक्साइड की परत बन जाती है। जब हम इन्हें वायु में खुला रखते हैं तो इनके ऊपर ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है, दैट इज इंपॉर्टेंट लाइन, ऑक्साइड की फिल्म बनाएगा एल्यूमिनियम, तो ऑक्साइड की परत इनके ऊपर जमा हो जाती है, और इस ऑक्साइड की परत के बनने को एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग या हिंदी में कहे तो एनोडीकरण। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत का बनना कहलाता है, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत का बनना कहलाता है एनोडाइजिंग या एनोडीकरण। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया है धातुओं की, थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन विथ वॉटर, जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, पानी के साथ अभिक्रिया है ना। जैसा अभी बताया गया कि ये पानी में मोस्टली विलयशील नहीं होते हैं, अविलयशील होते हैं, लेकिन कुछ फिर भी पानी में घुलते हैं, और घुलने के बाद क्या बनाते हैं, ऑक्साइड जो है पानी में घुल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब देखो जल के साथ अभिक्रिया में क्या है, कुछ एलिमेंट जैसे कि कुछ धातु लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये पानी के साथ है ना, जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं, जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, तेजी से अभिक्रिया। और कौन सा जल, कैसा भी जल हो, कोल्ड वाटर हो, चाहे ठंडा पानी हो, चाहे गर्म हो, लिथियम सोडियम पोटेशियम की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये किसी भी प्रकार के पानी के साथ में तेजी से अभिक्रिया करते हैं, फास्टली रिएक्ट करते हैं। जैसे कि लिथियम प्लस वाटर, Li+H2O गिव्स, और क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे Li2O, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। लेकिन जैसे ही ऑक्साइड बनेगा, ये ऑक्साइड फिर से पानी के साथ में रिएक्ट कर लेगा और इसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा LiOH, Li2LiOH है ना। तो सबसे पहले तो मेटल पानी के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, और वो ऑक्साइड फिर से पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि ये तीन जो ऑक्साइड हैं इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये कोल्ड वाटर आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा तत्व जो है ठंड, कौन सा धातु तत्व ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम तो ऐसे धातु हैं जो ठंडे जल के साथ में भी अभिक्रिया कर लेंगे, लेकिन कुछ तत्व जैसे मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम गर्म करता है हॉट वाटर, ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ये गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया करेगा, ठंडे पानी के साथ में इसकी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम होती है। और आगे बढ़ाएं, कुछ मेटल्स और आते हैं जैसे कि सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, या कुछ मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम जिंक और आयरन है ना, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम एल्यूमिनियम जिंक और आयरन, एल्यूमिनियम जिंक कैडमियम आयरन, ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, ये पानी से बनने वाली भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, भाप के साथ अभिक्रिया। तो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इनमें से कौन सा तत्व जो है वो सीधे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, एल्यूमिनियम जिंक और आयरन, ये पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, ये भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करके ऑक्साइड बनाएंगे है ना। और जबकि सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कॉपर
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ वॉटर, H2O के साथ, H2O के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कॉपर जो है वो पानी के साथ में सीधे डायरेक्टली अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। कुछ तत्व जैसे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये गर्म पानी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये भाप के साथ ही अभिक्रिया कर सकते हैं। जबकि कुछ तत्व जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये किसी भी चीज के साथ में जो है वो अभिक्रिया कर सकते हैं। मतलब जल कोई भी, कोई सा भी वाटर हो, चाहे वो हॉट वाटर हो, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, उसके साथ में अभिक्रिया कर सकते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्शन विथ एसिड, अम्ल के साथ में अभिक्रिया। पॉइंट नंबर फोर्थ, मेटल्स की एसिड के साथ में रिएक्शन, फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन विथ एसिड यानी कि तनु अम्ल या सांद्र अम्ल, अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया। और ये धातुओं की पहचान है, इट इज द टेस्ट फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए ये एक प्रकार का परीक्षण है। क्या परीक्षण है? कि जो भी धातु होते हैं वो अम्लों के साथ में अभिक्रिया करते हैं, और जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है ना। तो इंपॉर्टेंट बात है कि धातुओं का टेस्ट क्या है, कि धातु अम्लों के साथ में अभिक्रिया कर, अम्ल में जो है मेनली दो अम्ल है, एक HCl और एक H2SO4, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं। धातु अम्ल HCl और H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। याद रखना, मैंने यहां पर नाइट्रिक एसिड नहीं लिखा है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकते हैं कि क्या धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे क्या? तो हम कहेंगे नहीं करेंगे, है ना। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नाइट्रिक एसिड HNO3, मैं लिख देता हूं उसके लिए, HNO3 के साथ, HNO3 के साथ मेटल्स यानी कि धातुएं, मेटल्स हाइड्रोजन गैस रिलीज, हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती है, विस्थापित नहीं करती है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो जैसे ही हाइड्रोजन बनती है, यह हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीकृत कर देता है। प्रबल ऑक्सीकारक है जो हाइड्रोजन को H2 को H2O में, H2 को H2O में क्या कर देती है? नाइट्रिक एसिड ऑक्सीकृत कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, धातुएं HCl और H2SO4 के साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, HNO3 के साथ क्यों नहीं करती? तो HNO3 के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि HNO3 के साथ में जब इनकी अभिक्रिया होगी तो बनने वाला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बनने वाला हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण होने से वो H2O में बदल जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे सोडियम है, सोडियम विथ एसिड लाइक HCl, है ना, 2Na+2HCl गिव्स 2NaCl, लवण बना इसका, और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर? अम्लों के साथ में अभिक्रिया। पांचवा पॉइंट है, धातुओं का जो है अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल्स, धातुओं की अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अन्य धातुओं के साथ, अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है, जिसे हम क्रियाशीलता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। धातुओं की दूसरे धातु के साथ अभिक्रिया के लिए एक क्रियाशीलता का क्रम होता है ना, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इन रिएक्शंस को अपन कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है, यानी कि जिंक कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। या आप यूं भी कह सकते हो, धातुओं की अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं, और इसमें धातुओं की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार के धातु जो है उनकी क्रियाशीलताएं अलग अलग होती है। और जब हम क्या करते हैं, धातुओं को क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं, तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम
रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि सक्रियता श्रेणी कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी हमें यह बताती है कि कौन सा धातु किस धातु को विलयन में से रिप्लेस कर सकता है और कौन सा धातु किस धातु को रिप्लेस नहीं कर सकता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु होती है लिथियम, फिर पोटेशियम, लिथियम पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक के बाद आयरन के बाद में लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ए ना, ये सीरीज आप एज इट इज याद रखना। सबसे ये क्रियाशीलता श्रेणी है, मतलब अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो इन धातुओं की क्रियाशीलता कम हो रही है, धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। तो इस क्रियाशीलता श्रेणी में जो धातु आगे की ओर हैं उनकी क्रियाशीलता ज्यादा है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, लिथियम सोडियम, इनकी क्रियाशीलता इतनी अधिक होती है कि इनको कैरोसिन के अंदर, है ना, कैरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को कैरोसिन में रखने का कारण क्या है, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। लिथियम सोडियम से भी ज्यादा क्रियाशील है ना, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु तत्व तो होता है। इसे पैराफिन, पैराफिन का मतलब है मोम, तो इसे पैराफिन यानी कि मोम में लपेट कर रखा जाता है ताकि इसकी वायु के साथ में, हवा के साथ में अभिक्रिया ना हो। क्लियर। तो ये था मेटल एंड मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुणधर्म, मेटल के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद धातु जो जितने भी प्रकार के तत्व हैं उन्हें हम वर्गीकृत करके एक श्रेणी बनाते हैं, या वर्गीकृत करके एक जो है सारणी बनाते हैं, जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। तो आवर्त सारणी के बारे में हम पढ़ेंगे।